वेलकम गाइस। तो ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है। इससे पहले भी मैंने दो वीडियो डाली थी, लेकिन कुछ वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी, इसलिए मैंने दोबारा नई वीडियो बनाई है। मतलब मेरी थर्ड वन है, लेकिन एज अ फर्स्ट व्लॉग मेरा चैनल पे जाएगी। और आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैंने पिछली दो वीडियो की वजह से काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो ये व्लॉग काफ़ी अच्छा होगा, आपको देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। और आज हम जहाँ जाने वाले हैं ना, तो मेरे घर से थोड़ी सी दूर है, और ज़्यादा नहीं, मतलब हमें आधा घंटा लगेगा पहुँचने में वहाँ पर। और वहाँ पे हम फोटोज भी क्लिक करेंगे थोड़ी बहुत, मेरी फ़ोटो क्लिक करेंगे, और क्या कहते हैं, आज हम जाएंगे और खूब मज़ा करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। और जो भी मैं देखूँ आज वहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा, और जो भी, और आज के ब्लॉग से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी नई वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और जितना भी आप लोग अभी सपोर्ट कर रहे हो, आगे तक मेरे साथ सपोर्ट करते चलोगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाता रहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए, काफ़ी नई नई चीज़ें करता रहूँगा, ताकि आपको लोग बोर ना हो, मज़ा आते रहे और आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहे। तो आज चलते हैं हमारे ब्लॉग की तरफ। अभी हम डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी सी दूर है, बस 15-20 मिनट का रास्ता है, इसलिए हम पैदल चल रहे हैं। अभी वहाँ मैंने देखा कोई ऑटो वोटो नहीं मिल रहा था हमें, नहीं तो हम उसमें बैठ के आते, लेकिन सोचा थोड़ी सी दूरी तो है इसलिए पैदल चल लेते हैं। अब चल रहे हैं पैदल, और ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी दूर है, थोड़ा सा सस्पेंस और फिर देखना आप कि हम कहाँ आए, आज का कहाँ ब्लॉग बनाया हमारा, और जो भी फन होगा आज की फोटोज होंगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे शो हो जाएंगी, आपको यहाँ शो हो जाएगा। आज का वैसे मौसम बहुत बेस्ट है, क्योंकि अभी हम घर से निकले थे तो हमने देखा था कि बहुत धूप हो गई थी, लेकिन अब जाके देख रहे तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, और ज़्यादा हमें धूप का भी सामना नहीं करना पड़ रहा, और ठीक है अब मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। और वैसे आज का आउटफिट ये है कुछ इस तरीके से, तो आप कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है, और नए हो तो पता है ना क्या, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बस थोड़ी दूर और है, फिर हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनी पर, और आज का मेन इवेंट। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और डेस्टिनेशन है हमारे सिग्नेचर ब्रिज। मैं यहाँ पहले बहुत पहले आ चुका हूँ, कई बार आ चुका हूँ, मतलब रनिंग के लिए काफ़ी टाइम हम यहाँ आते हैं, हमारे दोस्त सब हम यहाँ आते हैं, लेकिन ब्लॉग बनाने में पहली बार आया हूँ यहाँ पे। और बहुत अच्छी प्लेस है, मतलब मॉर्निंग के टाइम आप आओ तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, बहुत से लोग रनिंग करते करते यहाँ तक आते हैं हमारे घर से। मैं खुद यहाँ आज रनिंग करते करते आया हूँ कई बार, और सुबह भी रनिंग करता हूँ, और जो भी अपडेट्स हैं मैं अपनी डेली इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप लोग ज़रूर मेरी इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, और मेरा यूज़र नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आके, बहुत अच्छा व्यू मिलता है, मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई है कि आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते जाके,
और आज भी हम कुछ फोटोज क्लिक करेंगे मेरे इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गए कि मैंने बहुत टाइम से कोई पिक अपलोड नहीं करी है। काफी बड़ा है मैंने सुना है कि वहाँ टॉप पे मतलब रेस्टोरेंट टाइप कुछ बनने वाला है, मतलब बना हुआ है पर अभी कोई एंट्री फिक्स नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ रुक गया था। आप दोनों साइड लिफ्ट्स हैं, मैं दिखाऊंगा आपको वहाँ पहुंचकर, और ऊपर जाने के लिए बनाई गई थी लेकिन अभी तो कोई मतलब ऐसे ऑफिशियली या कोई अनाउंसमेंट या कोई ऐसा व्यू नहीं है कि ऊपर जाके देख सकें या ऊपर से, वैसे बना रखा है ऊपर आपको यहाँ से दिखा ना चाहूँगा पर यहाँ से बिल्कुल वहीं बिल्कुल वहीं। बाकी आपको मैं वहाँ पहुँच कर दिखाता हूँ कि क्या सीन है कैसे है। ओके चलते हैं। सिग्नेचर और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ कितना बेस्ट है, और अब देखना आपको देख के बहुत मजा आने वाला है। पूरा व्यू देखो कितना प्यारा है, आज का मौसम ऐसे ही रखा हुआ है, ये कैबिनेट सा, और यहाँ मैं फ़ोटो क्लिक कराऊंगा अपनी, और देखते हैं यहाँ पे जो फ़ोटो क्लिक्स होंगी और बाकी होंगी वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आपको शो हो जाएंगी, तो बने रहते हैं। और गाइस अभी बहुत तेज़ धूप हो चुकी है और हमने फ़ोटो तो क्लिक कर लिए हैं लेकिन काफ़ी तेज़ धूप हो चुकी है यहाँ, और क्या बताऊँ कितना तेज़ धूप हो चुकी है कि अब बैठा भी नहीं जा रहा है यहाँ पे। और वैसे मैं दिखा देता हूँ, हाँ मैं दिखाने वाला था वही है वो जो लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए, पर वो अभी ओपन नहीं है, बहुत तेज धूप है। और फोटो तो हमने काफ़ी सारी क्लिक करी है, काफ़ी अच्छी आई है, आपको मेरी आईडी पे देखने को मिल जाएंगी इंस्टाग्राम आईडी पे। यही है वो लिफ्ट जिससे हम मतलब जब भी ये स्टार्ट होगा तो वहाँ ऊपर तक जा पाएंगे हम, लेकिन अभी ये फ़िलहाल बंद है और बस यही है। आई दोनों तरफ है, उस तरफ भी है और इस तरफ भी है, दोनों तरफ ही क्लोज हैं फ़िलहाल तो। और व्यू देखो आप कितना अच्छा है, मतलब अभी यहाँ धूप नहीं होती ना तो और अच्छा व्यू आ जाता, मतलब थोड़े से बादल थे पहले जैसा व्यू रहता, अभी आपको देख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये लाइट है, ये रात के टाइम बहुत अच्छा व्यू आ जाता है, मतलब रात तक रुक सके तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, पर वैसे मेरे कैमरे की बैटरी लो हो रही है तो मुझे लगता नहीं है हम ज़्यादा देर तक शूट कर पाएंगे। धूप देखो अब कितनी तेज़ हो चुकी है, अभी तीन चार दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अब इतनी तेज़ धूप हो रखी है, मतलब क्या ही बताऊँ दिल्ली का वेदर कितना। और ये रिवर का नाम नहीं पता, मतलब यमुना है या गंगा है, दोनों में से एक है, अब देखना ये है कि क्या देखना मेरे को पता नहीं है मैं क्या करूँ। और आपको पास से दिखाता हूँ, वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके पूरा रिवर का व्यू दिखाता हूँ, और हो सका तो मैं उस तरफ भी जाके दिखाऊंगा आपको उस तरफ से कैसा व्यू है, कैसा व्यू है यहाँ पे। और मैं ज़्यादा पास नहीं लेके जाना चाहता कहीं फ़ोन गिर ना जाए, तो ये है वो रिवर, और वहाँ नीचे भी हम कई बार गए हैं, जा सकते हैं और मैंने देखा है वहाँ जाते हैं, अभी तो फ़िलहाल वहाँ पानी भरा पड़ा है लेकिन हम जब जा पाते हैं ना तो वहाँ काफ़ी अच्छा व्यू बनता है, फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई मैंने वहाँ पे नीचे जाके, और फिशिंग भी चल रही है नीचे, शायद उसे अभी एक भी मछली नहीं मिली है, कोई नहीं यहाँ काफ़ी अच्छा व्यू है। और दूसरी साइड अगर मैं दिखा पाया आपको मेरे बैटरी
सॉरी बैटरी क्लोज नहीं हुई, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि दूसरी साइड और भी अच्छा व्यू है, वहाँ और भी अच्छा सीटिंग एरिया है। अभी तो यहाँ पानी भरा हुआ है, शायद वहाँ उस तरफ ना भरा हुआ हो, तो कुछ ऐसा है। अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पहले कंस्ट्रक्शन नहीं था पूरा, मतलब एरिया प्लेन था, वहाँ पे हम खेल पी सकते थे, काफ़ी सब होता था। अभी वहाँ पे मूर्ति विसर्जन होएंगी, उसका भी मैं आपके लिए व्लॉग लेके आऊँगा और बने रहे। और यहाँ से ये है कुछ व्यू, ये लाइट्स हैं जो रात के टाइम काफ़ी ऑसम इफेक्ट देती हैं इस पर। और रात में बना पाया तो मैं पक्का बनाऊँगा आप लोगों के लिए। देखने लायक चीज़ है ये हमारी दिल्ली की, और मेरे घर के सबसे पास एरिया है, मतलब आधे घंटे में हम यहाँ पहुँच जाते हैं। अभी तो काफ़ी धूप हो रही है, मैं साइड में खड़ा हूँ इस वजह से शूट करने के लिए, दूसरी साइड चलेंगे, पर अभी काफ़ी धूप हो रही है इस वजह से मैं सोच रहा हूँ यहीं पर रहें छाँव में।